नमस्कार साथियों, आप सबका स्वागत है पुनः मोहन राजवाड़े ऑप्शन ट्रेडर यूट्यूब चैनल आवाज के वीडियो में। फ्रेंड्स, आज एक बहुत बड़ा दिन था शेयर बाजार के लिए भी और हम सब के लिए भी। आशा करता हूं कि आप सबको आज बहुत अच्छा प्रॉफिट मिला होगा। आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। और जैसे मेरा व्यू था कल, जैसे मैंने अपना लॉजिक आपको शेयर किया था कि अगर बैंक निफ्टी थोड़ा कम गैप अप भी होता है ना, तब भी इसमें पोजीशन होल्ड करेंगे, और जब तक ये लाइन ड्रॉ किया है मैंने जो ऑल टाइम हाई है, जब तक इसे टेस्ट न करे तब तक पोजीशन को होल्ड करेंगे। उम्मीद करता हूं कि आप सबने पोजीशन को आखिरी तक होल्ड किया रहा होगा, क्योंकि मॉर्निंग से ही मैंने आप लोगों को शेयर किया कि अच्छे लेवल में बाजार ओपन हो रहा है। ठीक है, और यहाँ पर देखिए बिग गैप अप मैंने आप लोगों को बताया। फिर मैंने जब प्रॉफिट बुकिंग किया निफ्टी में, क्योंकि निफ्टी मेरा एक कॉल बाई था, एक कॉल सेल था, निफ्टी में मूवमेंट कम देख रहा था और कम आया भी, बैंक निफ्टी मूवमेंट ज्यादा आया। ठीक है, 1500 पॉइंट, 1600 पॉइंट के ऊपर बैंक निफ्टी मूवमेंट आया, तो मैं बैंक निफ्टी का पोजीशन को होल्ड करना चाह रहा था। और मैं चाह रहा था, मतलब मेरी टारगेट थी कि ये 46,500 शायद कल पहुंचे। ठीक है, इसलिए मैंने 46,500 के टारगेट के लिए पोजिशन को होल्ड करने के लिए बोला था। बट आखिरी आखिरी में जाते जाते ना 3 बजे आसपास ये ऑल टाइम हाई टेस्ट किया, और जब ये ऑल टाइम हाई टेस्ट किया तब मैंने प्रॉफिट बुकिंग किया। और जब मैंने प्रॉफिट बुकिंग किया, ठीक है, और जब ये ऑल टाइम हाई टेस्ट किया, तब मैं 6,31,000 प्रॉफिट में था। और फाइनली मैंने इसका प्रॉफिट बुकिंग, जो कंप्लीट प्रॉफिट बुकिंग हुआ मेरा, वो हुआ 6,40,000 में। तो निफ्टी में लगभग मुझे 1 लाख आसपास पैसा मिला। मैं कम क्वांटिटी बनाया था निफ्टी में, क्योंकि रिस्क रिवॉर्ड अच्छा नहीं बन रहा था। ओके, और बैंक निफ्टी में प्रॉफिट ज्यादा अच्छा था। राइट, यहाँ पर निफ्टी का प्रॉफिट है, बैंक निफ्टी का प्रॉफिट है। बहुत दिनों बाद एक अच्छा प्रॉफिट मिला मुझे, लगभग 2 महीना के बाद। मैंने लास्ट पीएलएन वाला वीडियो आप लोगों के लिए शेयर किया था, देखा होगा आप लोगों ने। और पिछले बैक टू बैक 2 महीना से मैं लॉस में था, और मैंने इस महीना का टारगेट सेट किया था 10 लाख के आसपास, 8 से 10 लाख। तो 6 लाख तो आज मुझे गेन हो गया। और देखिए, जैसे कल मैं बताया था आप लोगों को कि यार, जब आप कोई प्रीमियम शॉर्ट कर रहे हैं ना, 1,000 रुपये का प्रीमियम शॉर्ट कर रहे हैं, तो अगर इसमें आप गेन कर लिए हैं 800 पॉइंट, तो प्रॉफिट बुकिंग कर लो। राइट, तो हमने प्रॉफिट इसलिए बुकिंग कर लिया, ठीक है, क्योंकि जो पोजीशन मैंने बनाया था, जिसमें मैंने शॉर्ट किया था, ठीक है, जब मैं शॉर्ट किया था 46,500 का पुट, तब इसका भाव था 1,550 रुपया। ठीक, फिर मैंने थोड़ा और क्वांटिटी प्लस किया था, तो मेरा एवरेज 1,500 के आसपास आ गया था। राइट, तो 1,500 का प्रीमियम आ गया 233 रुपया, 240 में मैंने पूरा पोजिशन को क्लोज किया है। ओके, तो 80% के आसपास हमने गेन कर लिया। तो सिंपल सा लॉजिक था, पोजिशन क्लोज करो, खत्म करो तमाशा। ठीक है, तो इसलिए हम अपने लॉजिक के अनुसार पोजीशन को बुक कर लिए। मे भी कल थोड़ा और चांस है गैप अप ओपन हो बाजार, ठीक है, लेकिन अब और नया पोजीशन बना के जाना ना, हिम्मत नहीं हो रहा है, क्योंकि बाजार एक्सट्रीमली ओवरबॉट जोन में आ गया है। ओके, तो इसलिए मैंने थोड़ा अवॉइड किया। राइट, थोड़ा नीचे मुझे मिल जाएगा तो मैं फिर से यहाँ पर बुलिश पोजिशन ऐड करूंगा। इसके बाद वेदांता का पोजिशन है मेरे पास, आपके पास भी होगा। राइट, और बजाज फाइनेंस का ट्रेड मैं इसके बारे में स्पेशली बोलना चाहूंगा कि देखिए, आज मैंने इसमें थोड़ा सा लॉस बुक कर लिया, 15-16 हजार। राइट, सुबह सुबह इसमें भी 1 लाख रुपए आसपास प्रॉफिट मिल रहा था, लेकिन इसमें भी अच्छा मोमेंट आ गया तो निकल गया। पिछले महीने अच्छा गेन किया था मैं, तो मेरे रेंज के ऊपर निकल रहा था, इसलिए मैंने पोजिशन क्लोज कर लिया है। राइट, स्ट्रगल का पोजिशन था, मैं फिर से इसमें स्ट्रगल बनाने की कोशिश करूंगा। कल मैंने बताया था कि अगर 7,400 के ऊपर निकल जाएगा तो हमें क्लोज करना पड़ेगा अपना पोजिशन को, मे भी कल गैप अप ओपन हो जाए तो फंस जाएंगे। हो सकता है नीचे आए, बहुत ज्यादा चांस है कि नीचे वापस आ जाए। ठीक है, तो 72 के आसपास आ जाएगा, तो इस बार मैं फिर से इसमें स्ट्रेंगल जैसा ट्रेड बनाऊंगा। राइट, चलिए, जब बनाऊंगा तो आप लोगों को शेयर करूंगा। तो अब आते हैं दोस्तों अगेन निफ्टी, बैंक निफ्टी में। देखिए, इस जगह पे है ना बाजार की आरएसआई में देखेंगे तो 77 चल रहा है, ठीक है, आज पहुंच गया। निफ्टी में देखेंगे तो आप 81 चल रहा है। राइट, इसी तरीके से अगर आप देखेंगे फिर निफ्टी को, तो ये 79 चल रहा है। तो कहीं जगह और नहीं है इसमें अपसाइड मूवमेंट के लिए, ऐसा मुझे लगता है। मे बी अपर साइड चला जाए, बट बहुत संभव है कि बाजार यहाँ पर रुके। देखिए, बाजार के लिए यहाँ पर मुझे लगता है कि दो कंडीशन हो सकता है। शायद एक गैप फिल ना करे, बाजार इसी रेंज में कंसोलिडेट करे 2-3 दिन, फिर एक जिस दिन भी ये रेंज के ऊपर निकलेगा, कोई भी ट्रायंगल जैसा सेटअप बनेगा या डब्ल्यू जैसा सेटअप बनेगा, ट्रेड बना लेंगे उसमें। ठीक है, क्रॉस ओवर जैसा ट्रेड बनेगा, इसमें ट्रेड बना लेंगे, ये अगेन अपर साइड में मूवमेंट कर जाएगा। ओके, तो मुझे नहीं लगता कि अभी ये गैप को फिल करने के लिए बाजार नीचे की तरफ आएगा। ठीक है, थोड़ा ये रनिंग गैप है, ध्यान रखिएगा, जरूरी नहीं कि गैप फिल हो। राइट,
गैप थ्योरी में आप लोगों को बहुत डिटेल मैंने बताया है, रनिंग गैप है, जरूरी नहीं है कि बाजार इसको फील्ड करने के लिए नीचे आए, राइट। निफ्टी ओवरबॉट में हो सकता है कि यहां पर साइडवेज हो जाए, और अगर निफ्टी आ जाता है ना, सपोज करो कि गलती से बाजार नीचे आता है, मैं कहूंगा इसमें शॉर्ट कम प्रीफर करो, करना भी तो कम क्वांटिटी में करो, रिवर्सल का प्लान करिए, बेहतरीन ट्रेड मिलेगा, ठीक है। और टारगेट रखेंगे 21,000 का इस बार, मतलब आईटीएम पुट शॉर्ट का ट्रेड बनाएंगे निफ्टी में, ठीक है। और सेम लॉजिक रहेगा बैंक निफ्टी में, मुझे लगता है बैंक निफ्टी कल खुल के फिर से ऊपर की तरफ मूवमेंट कर सकता है। अगर मॉर्निंग में प्लान करना है तो थोड़ा देर वेट करना, और 5 मिनट के चार्ट में थोड़ा सा बाजार को ना मतलब आरएसआई थोड़ा सा कूल हो जाए, कूल डाउन हो जाए, तो थोड़ा सा वेट करना, राइट, ताकि इसमें एक अपर साइड मूवमेंट के लिए जगह बन जाए। ओके, तो अगेन ये 47,000 की तरफ मूवमेंट कर जाएगा, राइट, 47,000 मूवमेंट कर जाएगा। और देखिए निफ्टी तो पिछले बार भी हाई निकल के काफी अच्छा मूवमेंट किया था, लेकिन बैंक निफ्टी हाई के आसपास ही नीचे आ गया, तो मुझे लगता है ज्यादा चांस है बैंक निफ्टी में अपर साइड मूवमेंट करने के लिए। पीएसयू बैंक बेहतरीन मूवमेंट किए हैं आज, प्राइवेट बैंक बहुत अच्छा मूवमेंट किए हैं, राइट। और प्राइवेट बैंक में आईसीआईसी बैंक, जैसे मैं पहले भी आप लोगों को शेयर किया था, एचडीएफसी बैंक लोअर लेवल से बहुत अच्छा अपर साइड आया है, तो स्ट्रेंथ बहुत है, तो ज्यादा संभव है और ज्यादा चांस मिलेगा आपको निफ्टी में, सॉरी बैंक निफ्टी में अपसाइड का मूवमेंट बनाने के लिए, ट्रेड बनाने के लिए। अगर हमें लकली, मैं बात कर रहा हूं बाई लक, अगर बाजार यहां पर 1-2 दिन सस्टेन कर जाता है, सपोज करो 1-2 दिन ब्रेकआउट के ऊपर रुक जाता है, सपोज करो 46,000 500 या 400 के आसपास ये ट्रेड करने लगता है, यहां पर रुकता है 1-2 दिन से ज्यादा नहीं रुकेगा, अगर ऊपर मूवमेंट नहीं किया, ज्यादा नीचे नहीं आया, डोजी जैसा कैंडल बना, छोटा कैंडल बना, 1 दिन ना फिर इसमें बड़ा मूवमेंट आएगा, ठीक है। तो 1-2 दिन में थोड़ा आरएसआई कूल हो जाएगा, फिर से इसमें मूवमेंट आएगा बड़ा, तो उस मूवमेंट को कैप्चर करने की प्रयास करना है, ठीक है। तो ऐसा रहेगा प्लानिंग, मुझे लगता है कल थोड़ा सा अवॉइड करिए इंडेक्स में ट्रेड करने के लिए। हाँ, आपको ना फिनेंस निफ्टी में ट्रेड करने का चांस बहुत अच्छा मिल सकता है, शायद नीचे ना आए, लेकिन टॉप के लेवल में ना 21,000 का एक राउंड फिगर लेवल है, तो अगर कल गैप अप खुला, बहुत संभव है कल गैप अप खुले मार्केट, ठीक है, अगर कल गैप अप खुला तो 21,000 से ना शॉर्ट का प्लान करना कोई बुरा आइडिया नहीं है, 21,000 के लेवल से शॉर्ट का प्लान करना कोई बुरा आइडिया नहीं है, मुझे लगता है एक प्लान करना चाहिए। अगर गैप अप खुलता है तो एक्सट्रीम ओवर बॉट में रहेगा बाजार, तो और ऊपर की तरफ मूवमेंट शायद ना आए, तो लोग या तो प्रॉफिट बुकिंग करना प्रीफर करेंगे, ठीक है, या फिर नया बाई तो नहीं होगा, तो ऊपर से थोड़ा शॉर्ट होगा बाजार, राइट। तो जब भी नीचे की तरफ आने के लिए कोशिश करें, थोड़ा दबाव आएगा, फिर ये नीचे की तरफ आ सकता है, और अगेन क्लोजिंग 20,850 के आसपास से दे सकता है, ऐसा प्लानिंग होना चाहिए हम लोगों का। तो गैप अप खुलेगा, एक शॉर्ट का प्लान इसमें जरूर करेंगे, बहुत ज्यादा डीप तो नहीं, लेकिन 20,850 के आसपास की इसमें डाउनफॉल हम लोग देख सकते हैं, तो कितना गैप अप खुलता है इसके अकॉर्डिंग हम लोग प्लान करेंगे, करेक्ट। चलिए, तो ये रहा दोस्तों व्यू मेरा निफ्टी बैंक निफ्टी में। ऑप्शन में ज्यादा, ऑप्शन चेन में बात करने के लिए ज्यादा है नहीं, इसलिए मैं ऑप्शन चेन के ऊपर बात नहीं कर रहा हूँ। आप लोगों को जैसे मैंने पीएनबी के बारे में कल बताया था, आज थोड़ा ज्यादा गैप अप ओपन हो गया, मैं पीएनबी को बाई नहीं किया हूं, लेकिन मैं इसको बाई करूंगा, ठीक है। मुझे लग रहा है या तो कल रुक जाए, और या फिर थोड़ा ए भाव में आ जाए, ठीक है, क्योंकि 3 रुपया ऊपर हो गया ना, 8,000 की क्वांटिटी, मतलब 8 तरीके 24,000 रुपया एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, तो इसलिए मैंने इसको बाई नहीं किया। मैं थोड़ा सा नीचे चाह रहा हूँ, 1-2 रुपया 81 के आसपास मिल जाएगा तो मैं बाई करूंगा, और जैसे मैंने बताया था कि 90 के आसपास का कॉल सेल करूंगा, तो 90 के आसपास का कॉल मैं सेल करूंगा, ठीक है। एक मेरा प्लानिंग है, बहुत अच्छा मूवमेंट किया है, राइट, और बीडीएल चल ही रहा है, तो मुझे लगता है बीडीएल में मूवमेंट आ जाएगा, बीडीएल में ट्रेड नहीं है, फिर से बोल रहा हूँ बनाओ, ये जल्दी से ना 250 के ऊपर जाने वाला है, राइट। चलिए, मैं आप लोगों को एक स्टॉक शेयर किया था अभी टेलीग्राम चैनल में कुछ दिन पहले, आप लोगों को पता होगा IFCI, ठीक है, मैंने बताया था कि 27 या 26.50 के ऊपर ये बहुत बड़ा ब्रेकआउट है, ठीक है, बहुत दिनों बाद, बहुत लॉन्ग टाइम बाद ये स्टॉक निकल रहा है, तो मिनिमम टारगेट ना इसका अभी ये 34 का है, 34 के बाद टारगेट 44 का, ठीक है, फिर तो आप देख ही रहे हैं 70 की तरफ का दिख रहा है, ये इसे ना अगर ट्रेड नहीं बनाए हैं, पोजिशन नहीं बनाए, तो मुझे लगता है बनाना चाहिए स्पेशली, ठीक है, बहुत अच्छा मूवमेंट दे सकता है, लोअर साइड के 20 के आसपास का आप स्टॉप लॉस रख सकते हैं, राइट। तो ये प्लानिंग होना चाहिए दोस्तों IFCI में। चलिए, बहुत सारी स्टॉक है जो अभी निकल रहे हैं, मैंने बहुत सारी स्टॉक ऑलरेडी आप लोगों को दिए हैं, जैसे कैंप्स देख रहे हैं, कैंप्स भी आज निकला है, ऐसे बहुत सारे स्टॉक हैं मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पर जितने भी स्टॉक दिए हैं मोटा मोटा, ठीक है, या जिनको मैं देने वाला हूँ उनको मैंने सेलेक्ट करके ऑलरेडी रखा हुआ है, तो उनमें काफी अच्छा मूवमेंट आया है, आई होप आप लोगों ने इसमें ट्रेड बनाया होगा। ओके,
चलिए, तो ये है दोस्तों निफ्टी बैंक निफ्टी के साथ साथ स्टॉक्स के ऊपर मेरा व्यू और ट्रेड प्लान। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर लीजिएगा, कमेंट कर लीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया फ्रेंड्स तो चैनल सब्सक्राइब करके आप जरूर जाइएगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।